वो तेज मात पास हूँ, ट्रैक ट्रैवल दार हूँ, कुछ दाख नहीं हूँ मैं। मेरा नाम क्या भरोसा है? मैं तो बड़ो बड़ो को सीधा कर देता हूँ। बुल्ला की जाना मैं को, बुल्ला की जाना मैं कौन, कब आओगे कब आओगे, मोरा मेदा तुम बिन उदास है, कब आओगे कब आओगे। वाह 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 सर जी, आपके गले में तो करमदाद बोलता है सर। वह शुक्रिया बड़ूंगड़ा। वैसे ये क्या हो रहा था जी? वो इंतजार मुसीकी, दिल बर्दाश्ता होकर बल्कि दिले बेनाश्ता होकर गाना गा रहा है सर जी। इस उम्र में गाना खाली पेट अच्छी बात नहीं होती। वह बकवास न कर, वह यही तो वो दौर है जिसमें सिर्फ गुल्लूकारों का पेट भी भरा होता है और पॉकेट भी भरी होती है। सर जी, पेट की खातिर मुसीकी का मलिया मेट करने के बजाय अगर यही गाना आप स्टेज पर गाते तो आपको आमलेट भी मिल सकता था। आमलेट? वो कैसे हो? अंडों और टमाटरों की सूरत में, जो आपकी आवाज सुनकर लोगों ने आपको मारने थे। वह बकवास बंद कर, ये क्या है? नाश्ता है सर। वो सिर्फ दो स्लाइस और अंडे किधर है? वो तो किसी दुकान पर ही होंगे सर, मुझे तो अंदर नहीं मिले। वो इतना बड़ा अफसर सिर्फ दो स्लाइस का नाश्ता करेगा? सर जी, अगर एक स्लाइस से करेंगे तो एक दोपहर के लिए भी बचा के रखा जा सकता है। किचन में जितना राशन था वो मैं समेट कर यहाँ ले आया हूँ। अब ये नाश्ता आपके रहमो करम पर है, इसे मौत के घाट उतार दीजिए या इसकी दोपहर तक के लिए जान बख्श दे। वे लानती किरदार, दो घंटे तू किचन में रह के तो सिर्फ ये दो स्लाइस बढ़ा कर ले आया है? सर जी, और भी बहुत से काम किए, एक घंटा तो तमाम सामान इकट्ठा करने में लग गया और आधा घंटा साथ वालों के घर से चाय की पत्ती और चीनी लाने में सर्फ हो गया। मगर मुझको तो परौंठों की खुशबू आ रही थी, मैं समझा कि शायद जस्ट फॉर चेंज तू आज वलेवो वाले परौंठे पका रहा है। सर जी, आपकी सिर्फ सूंघने वाली हिस्सी तेज है, पराठों की खुशबू साथ वालों के किचन से आ रही थी। तो जब तू उनके घर से चीनी और पत्ती मांगने के लिए गया था तो हमसायों का हक होता है, बचड़ा तू दो परौंठे भी मांग लिया था। सोचा तो मैंने भी यही था, फिर सोचा ये तो रोज रोज का काम है, कब तक मांगूंगा। वह अगर तू मेरे घर का काम काज करने के बजाय स्पोर्ट्स में होता ना तो अब तक यकीनन कांसी का तमगा हासिल कर चुका होता। अच्छा जी, भला किस शोबे में? तीर अंदाजी के शोबे में। वह भला तुमसे बेहतर तंज के तीर और कौन चला सकता है? वह कैसे तीर अंदाज हो, वह सीधा तो कर लो तीर को। ठीक है सर जी, आप ये नाश्ता करें, मैंने दूसरे घरों में भी जाना काम करने के लिए। वह अल्लाह देते है, मुझको ये बताओ कि तुम ये अपने टेढ़े मेढ़े पैरों के साथ डैन की तरह मोहल्ले के साथ घरों में जो लगाई बुझाई का काम करते फिरते हो तो व्हाई डोंट यू फुल टाइम जॉब मेरे घर में क्यों नहीं कर लेते? सर जी, यहाँ सारा दिन मक्खियाँ मारने से बेहतर है कि मैं दूसरे घरों में भी काम कर लूँ। ना ही आप कोई सौदा सलब मंगवाते हैं और ना ही पैसे मारने का, मेरा मतलब है कि पैसे टुकने का कोई मार्जिन है। अच्छा, तो तुम मेरे साथ भी कटवागिरी करना चाहते हो? नहीं सर जी, वो असल में बात ये थी कि गो अवे फ्रॉम माय आईज। अब तो मुलाजम भी मुंह को आने लग पड़े हैं, नाश्ता भी अब ऑफिस में ही जाकर करना पड़ेगा। सर जी, क्या है और क्या है? खादम हाजिर है सर। नो, खादम तो मौजूद है, तुम्हें किसे बुलाया? सर जी, मैं इस वास्ते हाजिर हुआ हूँ कि हाजिर हूँ मदद को, जानो दिल से कीड़ा हूँ घर के, मैं जरा सा क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में। आपने नाश्ता तनावल फरमाया है कि नहीं? अगर नहीं तो मैं आपके वास्ते एक परौंठा और मोटी मलाई वाली चाय मंगवाऊं। ना, तुम्हें कैसे पता चला है कि मैंने नाश्ता नहीं किया? सर जी, इस किस्म की मारे मैंने भी अपनी जवानी में बड़ी खाई है। ठीक है, इस बात का किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। सर जी, जब दो बड़े अफसर
मिल के खाएंगे, गबन करेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। ना तुम्हें कुर्सी पे बैठने को किसने कहा है? सर जी नाश्ता तो फिर बैठ कर ही किया जा सकता है ना, वरना फिर खड़े होके भी नाश्ता किया जा सकता है। अब मुझे नाश्ते की जरूरत नहीं, जाकर अपना काम करो बस। सर जी देख ले, अगर आपने नाश्ता ना किया तो आपको मजीद गुस्सा चढ़ेगा, गुस्सा जब आपको चढ़ेगा तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, आप किसी गलत फाइल पे साइन कर देंगे। द थिंग विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस ओबीडियंट, आई एम वेरी ओबीडियंट सर्वेंट, आई गेट अप अर्ली इन। बड़े अफसर का सुबह से दफ्तरी काम कर करके दिमाग पुल पुला हो गया है, और मतैद जो है वो गोशाए तनाई में खाब खरगोश के मजे ले रहा है, सो रहा है। सो नहीं रहा सर जी, ऊंग रहा हूँ जी। वैसे भी आजकल के दौर में कौन सो सकता है जी। अच्छा बड़ा अफसर खड़ा है और मुलाजम का ये फर्ज बनता है कि वो फौरन खड़ा हो जाए, ये मुलाजमी फर्ज है तेरा, खड़ा हो जा। और सर जी आप कौन सा कौमी तराना है कि आपको देखकर मैं खड़ा हो जाऊं? सर जी आपको अपनी पड़ी हुई, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है जी। तेरे सर में दर्द हो रहा है? हाँ जी। वो बचड़ा इधर बैठ। ओए ओए, मर्द के सर में दर्द होना तो अच्छी अलामत नहीं है। तो सर जी आप अलामत को छोड़ें, आप मुझे इलाज बताएं। ओए एक बड़ा मुजर्रब नुस्खा है मेरे पास, हमारे बुजुर्गों को उनके बुजुर्गों ने और उन बुजुर्गों को किसी और बुजुर्ग ने अता किया था। मेरे तो बचड़े जब भी सर में दर्द होता है मैं यही नुस्खा इस्तेमाल करता हूँ, मगर कोई 80-90 रुपए का खर्चा है। वो नुस्खा है क्या जी? नाश्ता। नाश्ता? और नाश्ता तो मैं करके आया हूँ जी। भाई तू गरीब आदमी है, जो नाश्ता तू करके आया है उसको नाश्ता नहीं दिल बर्दाश्त कहते हैं। सर जी तो नाश्ता क्या होता है? नाश्ता होता है गर्मा गर्म हलवा पूड़ी, गर्म परौंठे, ठंडी लस्सी और मोटी मलाई वाली चाय और आंडियों का आमलेट जो प्लेट में लम लेट हुआ होता है। ले बचड़िया बजे ही जा और जाके कंटीन से ये अद्वियात इकट्ठी करके ले। सर जी ये तो सब कुछ 30-40 रुपए में आ जाता है, आप 90 रुपए बता रहे हैं। देखे ना, अब इतना कीमती नुस्खा जब मैं तुझको बता रहा हूँ तो मजबूरन मुझको भी तो तेरे साथ नाश्ता करना ही पड़ेगा ना। बड़ी मेहरबानी सर जी, मेरे सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। मुझसे इतना कीमती नुस्खा चलाकी से पूछने के बाद आप कह रहे हैं दर्द ठीक हो गया? मैं बड़े साहब से जाकर कहता हूँ कि तुम इधर मुलाजम होकर अंगड़ाइयां ले लेकर सोते हो। घर में आपके कितने घर हैं जेफी? दो। मेरा मतलब है आजकल दो, एक शहर में और एक शहर से बाहर। मैं कुछ समझी नहीं जेफी। राज की बात है, तुम कहाँ समझोगी? अच्छा मुझे ये बताया, जो शहर से बाहर वाला घर है उसमें कौन रहता है? मेरी बीवी। ओह गुड। और जो शहर के अंदर वाला घर है उसमें कौन रहता है? मेरी बीवी। व्हाट? उधर भी बीवी है इधर भी? ओह माय गॉड, यू गॉट टू वाइव्स? बट जेफी यू सच अ डीसेंट गाय, आई मीन Only people with lots of money have two wives. Two to be me? घर दो है ना, इसलिए मजबूरी है। घर चार होते ना, तो चार भी हो सकती थी। हाँ, लेकिन जेफी यू नेवर टोल्ड मी, बताया नहीं कि आपकी दो दो बीवियां हैं। इसका तो मैंने पहली बीवी को भी नहीं पता चलने दिया। हाँ, वो कर्मदार है ना, खतरा आदमी हो, उसको पता है या फिर आज तुम्हें पता चल गया है। इस राज को ना राज ही रहने देना। चाय ठंडी होगी जेफी आपकी। इसे बैंक को दूसरी बना दो। ऑलराइट एज यू विश। चलो ऐसा करो कि ये करमदाद को दे दो, सुबह सुबह ना जाड़े खा के गया मुझसे। पर जेफी करमदाद सब ठंडी चाय क्यों पियेंगे? और बड़ा मुफ्त पर और घटिया इंसान है वो तो नाश्ता तक करके नहीं आता घर से। मुफ्त का माल तो ऐसे हजम कर देता जैसे बाप का माल है, बस जो पिला दो उसे। ऑलराइट बाय बाय। करमदाद साहब, करमदाद साहब, क्या लाहौर आ गया जी?
ओहो लाहौर नहीं आया, चाय आ गई है। ये किसी और पैसेंजर ने मंगवाई होगी, मैं नहीं मंगवाई। करमदाद साहब क्या हो गया, मैं हूँ मोना, ये चाय आपके लिए जाफर हुसैन साहब ने भिजवाई है। वही जाफर साहब ने मेरे लिए भिजवाई है, जरूर इसमें जहर मिला होगा। नहीं नहीं, इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ। तो फिर चीनी ज्यादा पड़ गई होगी। नहीं नहीं, चीनी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपको काम लगे ना तो आप और मिला लीजिएगा। मोना जी, मैं मुक्ति मुकाता हूँ, जरूर ये चाय ठंडी हो गई है। नहीं ठंडी तो नहीं है, लेकिन अगर आपको ठंडी लगे तो आप इसको गर्म कर लीजिएगा। बाय बाय। वह बाबू जी। सर जी। वह इधर मर जा हाथ के। क्या बात है? वह सरकोदे वाले, खोए वाले, मलाई वाले, वो बचड़ा इधर जरा बैठ ना। ये देख रहा है ये क्या है? ये तो मुझे चाय लग रही है जी। लग नहीं रही, ये है ही चाय। आपको ये चाय किसने भिजवाई है? वह तुझको इससे क्या कि मुझ को किसने भिजवाई है? ये अपने हाथ में पकड़ और झटापट एक घूंट इसका पी जा। सर जी, आपकी चाय मैं कैसे पी सकता हूँ जी? वह बदबख्ता, तू अफसर की हुक्म अधूरी कर रहा है, अपनी तनख्वाह कटवानी चाहता है। नहीं जी, चाय आपकी है, मैं क्यों पीऊँ? हो सकता है इसमें जहर हो। यही तो मैं मालूम करना चाहता हूँ। चल घूंट बारिश का शाबिश। नहीं सर जी, मुझे माफ कर दे, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई जी। इसलिए तो तुमको कह रहा हूँ कि ना तुम्हारी शादी हुई है ना कोई बाल बच्चा है, तो इस तरह सिसक सिसक कर जीने से बेहतर है कि बनने लग जाओ। तुम एक अदना से मुलाजम हो, खुदकुशी कर जाओ। आप मुझसे खुदकुशी कराना चाहते हैं जी? वो मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, भला अब तुम जी कर क्या करोगे? चाहे आपकी, आप खुद क्यों नहीं पीते जी? बेवकूफा, मैं एक अफसर हूँ और अफसर बड़ी मुश्किल से बनता है। अगर चाय पीकर मुझको कुछ हो गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। चल मेरा बलूंगड़ा, हिम्मत कर, पी जा पी जा पी जा। सर जी मैं मर गया तो क्या होगा जी? वही तेरे घर वालों को पैसे मिलेंगे। अगर कोई बंदा ड्यूटी के दौरान मर जाए तो उसके लवाकों को रकमें मिलती है। सर जी, मुझे अपने के लिए कोई वसीयत तो लिखने दे जी। तू तो बिल्कुल नदान आदमी है, वो वसीयत लिखेगा तो केस खराब हो जाएगा, लोग इसको हादसाती मौत नहीं समझेंगे, तेरे घर वालों को पैसे भी नहीं मिलेंगे। शाबाश शाबाश। अगर मुझे कुछ हो गया ना जी तो उसके जिम्मेदार आप होंगे जी। कुछ महसूस हुआ? हाँ जी, चाय बिल्कुल ठंडी है जी। वह मैं चाय का नहीं, जिस्म पर कुछ असर होने का पूछ रहा हूं। जिस्म में तो ताजगी सी आ गई जी। अच्छा, इसका मतलब चाय बिल्कुल ओके थी? वो लामती करदार, मैंने तुझको सिर्फ एक घूंट भरने को कहा था, तूने सारी चाय कड़का ली है। अब इस तरह कर, भजाई जा और अपने पन्ने से एक मोटी मलाई वाली चाय मेरे वास्ते लेकर आ। किस खुशी में जी? वही जान बच जाने की खुशी में। चल दफा हो जा और छोड़, साथ में एक कड़कता हुआ परोठा भी लेकर आना। या गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी। ओए मैं सदके जाऊं, अब तो सर जी आपको एहसास हो गया होगा कि औरत के घर में ना होने से क्या फर्क पड़ता है। वो बलूगड़िया, शादी के बाद मैं भी अक्सर ऐसा ही सोचा करता था, काश वो जिंदा होती। क्या मतलब, कहीं बेगम साहिबा को कुछ हो तो नहीं क्या? उसको कुछ नहीं होता, वो तो अपने पेके गई हुई है। मैं बेजी की बात कर रहा हूँ, काश वो यहाँ होती तो मुझको ये खेखंड तो ना करने पड़ते ना। सर जी, वैसे आपने बेगम साहिबा को मेके जाने कैसे दिया? मिन्नत समाजत करके, वैसे वो मुझसे नाराज होकर गई है। वो आपसे राजी कब थी? मेरा मतलब है सर जी, आप बेगम साहिबा को जल्दी बुलवाने की कोशिश करें। क्या फायदा उसके वापस आने से, मुझको क्या फर्क पड़ेगा, काम तो मुझी को करना पड़ेगा ना। औरत के ना होने से घर में आपको डर तो लगता होगा? हाँ लगता तो है, मगर सोचता हूँ कहीं वो जल्दी वापस ही ना आ जाए। मेरा मशवरा है आप दूसरी कर लें। शादी? जी हाँ, हमारे बुजुर्ग कहते हैं अगर पहली शादी रास ना आए तो दूसरी कर लो, इस तरह रिस्क में इजाफा होता है। मेरे अब्बू ने भी इस तरह किया है। मगर मैं कैसे दूसरी शादी कर सकता हूँ? तलाक देकर? ना ना, मैं तो पहली करके ही पछता रहा हूँ। इसीलिए तो दूसरी का मशवरा दे रहा हूँ, अगर आप कर नहीं सकते तो कम से कम सोचना तो शुरू कर दें। ना बलूंगड़िया,
मैं इस उम्र में भला दूसरी शादी के बारे में सोचता हुआ कोई अच्छा लगूंगा? अच्छे तो नहीं लगेंगे, लेकिन आजकल ब्यूटी पार्लर वाले सब कुछ अच्छा बना देते हैं शादी से पहले। आप अगर अमल नहीं कर सकते तो बेगम साहिबा को डराने के लिए ऐलान ही शुरू कर दें कि मैं दूसरी कर रहा हूँ। ये ऐलान सुनकर बेगम साहिबा फौरन भागती चली आएंगी। मैं ऐलान कैसे करूँ, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी? तो फिर मस्जिद में ऐलान करवाएं, ये तो आपको काम खुद ही करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मेरी बीवी मेरे किसी ऐलान पर यकीन नहीं करेगी। आजकल वैसे भी बीवियों का ऐलानात पर से यकीन उठ गया है, क्योंकि हर सियासी जलसे में यही ऐलान होता है कि महंगाई पर काबू पा लिया गया है, हालांकि पाया नहीं जाता। तो बीवियों का इस किस्म के ऐलानात पर से यकीन उठ गया है। सर जी, सियासी और इस दवाजी ऐलान में बड़ा फर्क होता है। आप बेगम साहिबा के सामने अखबार खोलकर शादी वाले इश्तियार ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ा करें। अगर मैंने ऐसा किया तो बेगम तो मुझसे तलाक मांग लेगी। और वो आपसे मांग भी क्या सकती है, आपके पास है क्या देने के लिए? ना ना, मैं हक महर उसको किधर से दूंगा। सर जी, वैसे बात ये सोचने वाली है। बचड़िया, तुझको मुबारक हो। सर जी उठे, मुबारक हो। दिन में बुरे बुरे ख्वाब देखने वालों उठो, उठो सर जी, आपकी लॉटरी निकल आई है। लॉटरी? जी सर। किधर? मेरी निकल आई है? जी सर। वेरी गुड, मगर मैंने तो लॉटरी का टिकट ही नहीं खरीदा। सर जी, बगैर टिकट के आपकी लॉटरी निकल आई है, ये देखे सर। अच्छा अच्छा, मैट्रिक का रिजल्ट निकला होगा। वो बेवकूफ इंसान, दैजमात पास तो मैंने तेरी पैदाइश से पहले ही कर ली थी, तभी तो डायरेक्ट अब लाल लगा था। ओ सर जी, दैजमात को छोड़े, इसमें आपके ब्याह का रिजल्ट छपा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मसाली जोड़ों में मेरी शादी वाली तस्वीर छप गई होगी, पुरानी वाली। अच्छा, मैं समझता था आप वैसे ही मोटे हैं, आपकी अकल की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया। सर ये देखे, आपके लिए इश्तिहार छपा है, ये देखे सर। एक खूबसूरत बेवा को एक हदेड़ उम्र नौजवान का रिश्ता दरकार है। मुत्तरमा के भी यानी खूबसूरत बेवा, वह अल्लाह की दी हुई हर नेमत और दौलत से माला माल है, जिसकी देखभाल के लिए एक मजबूत सहारे की जरूरत है। अच्छा, और हाजतमंद उम्मीदवार इस नंबर पर रब्ता करें। वाह 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 सर जी, अल्लाह ताला ने ये सुनहरी बेवा आपकी झोली में डालने के लिए किसी से अखबार में इश्तिहार डलवाया है। सर, ये सुनहरी मौका हाथ से ना जाने दीजिए सर। वो तुम्हारे ख्याल में मैं मिस केबी यानी खूबसूरत बेवा के मैार पर पूरा उतरता हूँ? और सर जी, आप ही तो हैं जो उसके मेयार पर पूरे के पूरे उतर रहे हैं। आप जैसा मजबूत सहारा और उम्र का उदेड़ा उसे कहां से मिलेगा? थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। सर, आप जैसे सेहत वाले लोग तो हमारे इस गरीब मुल्क में अब सिर्फ नुमाइशों और कड़ाई गोश्त की दुकानों पर नजर आते हैं। सर जी, इस सुनहरी बेवा से फौरन रब्ता कीजिए। वह रब्ता मैं इकट्ठा करूँ, वह इश्तिहार में से किसी बूजी इंसान ने टेलीफोन नंबर तो पाड़ ही लिया। सर आप इस नंबर की फिक्र ना करें, ये नंबर आपको मिल जाएगा सिर्फ 100 रुपए में। मैं टेलीफोन नंबर की बात कर रहा हूँ, प्राइस बॉन्ड वाली पर्ची की नहीं। सर, जो नंबर मेरे पास है उसका बंपर प्राइस है मिसेस केबी की जायदाद और मालो दौलत। अच्छा, तो ये जलील हरकत तूने की है? क्या करे सर जी, जब आमदनी कलील हो तो हरकत जलील हो ही जाती है। मैं तुझको 100 रुपए की बजाय 500 रुपये दूंगा, वो टेलीफोन नंबर मुझको दे। बहुत अच्छे, लाखों की जायदाद और सिर्फ 500? 5% लूंगा करमदास साहब। वही अल्लाह, 100% दौलतमंद फीमेल को हासिल करने के लिए अगर 5% ब्लैकमेल होना पड़ता है, दैट्स ओके। नंबर निकाल। आप मिस केबी हैं?
जी मुझे खुर्शीद बेगम कहते हैं, आप कौन? मुझको उर्फ आम में करमदाद कहते हैं जी। कल आपसे टेलीफोन पर बात हुई थी जी, वो मैं जी वो लड़के वालों में से आऊँ। जी जी बिल्कुल, मैं आप ही की मुंतजर थी। तशरीफ रखिए प्लीज। अच्छा अच्छा, मैंने आपकी टेलीफोन पर आवाज सुनी, बिल्कुल कोयल जैसी थी। मैं इसे अपनी तारीफ समझू या तनकीद? कोयल तो कोई खूबसूरत परिंदा नहीं होती। हाँ जी हाँ, मैं भी कोयल को पसंद नहीं करता, वो काली कलोटी से होती है, नखरे बड़े होते हैं। ए का, आप तो गोरी चिट्टी बिल्कुल कबूतरी जैसी है। कबूतरी? क्या आपको कबूतरबाजी का शौक है? नहीं, मैं तो कबूतरबाजी भी नहीं करता। ये तो फिर आपका पोल्ट्री फार्म होगा। पोल्ट्री फार्म? ये आपने कैसे कह दिया जी? भाई आप हर बात पे परिंदों की मिसाल जो दे रहे हैं, आप तो मुझे मुर्गी भी कह सकते थे ना। आपको मुर्गी अच्छी लगती है? मुझे मुर्गी कत्तन पसंद नहीं है। आपको अच्छी लगती है? आपको अच्छी नहीं लगती तो मुझको मुर्गी कैसे अच्छी लग सकती है? और ये मुर्गी जो होती है ये गंदी गंदी जगहों पर नंगे पैर ही जाती है जी, मैं मुर्गी को क्यों पसंद करूंगा जी। हाँ अलबत्ता मुझे मुर्गी के अंडे बहुत पसंद है। अंडों की क्या बात है जी, अंडे ना होते तो मुर्गी ना होती, मुर्गी ना होती तो अंडे ना होते। ये एक अकीर सा तोहफा है फूलों का आपके लिए, और साथ में ये मिठाई। फूलों के लिए शुक्रिया, पर मिठाई तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो जी निरी बीमारी है। बीमारी आपको देने की क्या जरूरत है? अगर जो चीज आपको पसंद नहीं है मुझको कैसे होने लगी? आप काम क्या करते हैं? मैं तो हर काम जी शौक से कर लेता हूँ, जो आप कहेंगी वो भी कर लूंगा। फिलहाल मजबूरन एक दफ्तर में अफसरी करता हूँ। हाँ इस उम्र में इंसान मजबूरन ही सब कुछ किया करता है। नहीं नहीं, उम्र का तो मसला नहीं है, मैं अपने एक यार के कहने पर ये कर रहा हूँ। आपका बैकग्राउंड क्या है? मेरा मतलब है फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मैं बड़े अच्छे घराने का चश्म चिराग हूँ, घर में अल्लाह का दिए सब कुछ है, सिर्फ आप जैसी एक खतून की कमी है। मुझे भी एक ऐसे ही घराने की तलाश थी जो खुद गर्ज ना हो और जिसका आगे पीछे कोई ना हो। मेरा जो मकान है ना जो, उसमें आगे लॉन है और पीछे जंगल ही जंगल है। आप मेरी बात नहीं समझे, मैं घर वालों की बात कर रही हूँ। ये घर वाला अकेला हो। मैं यतीम हूँ, मेरा घर भी यतीम है, वहाँ सिवाय मेरे और कुछ नहीं है। फिर मुझे आप जैसा मुनासिब घर और कहाँ मिल सकता है? आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, हम सारा कारोबार संभाल लेंगे, आप अकेली बैठ के राज कीजिएगा। अब तो मेरा आपका घर देखने का शौक बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर जल्दी उठे चले चलते हैं घर। नहीं नहीं अभी मुनासिब वक्त नहीं है, मैं कल परसों आऊंगी। आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए। एड्रेस तो मैं आपको अभी दे देता हूँ। आपके पास विजिटिंग कार्ड तो होगा? ओ जी विजिटिंग कार्ड तो वो रखते हैं जिनको कोई जानता ना हो, मैं आपको अभी अपना पता लिख के दे देता हूँ। ये एड्रेस आप किसी को बताकर तो वहाँ पहुँच जाइएगा। ओ आए, मैं आपसे ये तो पूछना भूल ही गया कि आप चाय पिएंगे या कोल्ड ड्रिंक? जी मैं सब कुछ ले चुकी, सिर्फ बिल देना बाकी है। भला मेरे होते हुए आपको बिल देने की क्या जरूरत है? ओके नाइस मीटिंग यू, आपके बेटे से कल मुलाकात होगी। बेटे से? वो क्यों? क्या मतलब, आप इतनी देर से किसकी बात कर रहे थे? सदके जाऊँ मैं तो अपनी बात कर रहा था। जी आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? इतनी देर से तो कर रहा था, मगर अब शर्म किस बात की? मैं समझी कि आप अपने बेटे के रिश्ते की बात कर रहे हैं। उम्र देखिए आपने अपनी, हटे आगे से रास्ता दे मुझे। सर बिल। वो उससे लो बिल जिसने ये खाया पिया है, मेरी तो मिठाई भी जाया गई है।